अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, देयर एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में एक और बाइक आ चुका है। ये बाइक है असद का, एक के मौलवी का, जिसके पास 150 स्पेशल एडिशन। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो बाइक भी अवेलेबल है और होंडा का स्पेशल एडिशन भी इस बंदे ने ले लिया। अच्छा जी, तो लेने का पर्पज ये था यार कि ये कह रहा था कि यार लोकल यूज़ के लिए भी एक बाइक चाहिए, वो मैं सिर्फ टूरिंग के लिए रखूंगा क्योंकि इसका रेगुलर बेसिस पे ना लोकल बहुत इस्तेमाल है बाइक का। रोजाना मतलब 80-100 किलोमीटर इसका आमतौर बेसिस, ज़्यादा भी चला लेता है कभी कभी। तो इसने सोचा यार कि मैं बाइक को चेंज करूँ, ठीक हो गया, एक और बाइक भी रखूँ, वो भी रखूँगा, ये भी रखूँगा। तो ये जा रहा था सिंपल वाले 125 की तरफ, तो इसने डिस्कस किया ग्रुप में यार लड़कों से। तो मैंने इसको ये वाला मशवरा दिया यार कि तुम स्पेशल एडिशन की तरफ चले जाओ, तो वो अच्छा है मतलब उसके लिए, क्योंकि ये ज़रा भारी है, जानदार भी है इंजन इसका ना। ये एक तो 5 गियर है, इसका वेट भी उससे अच्छा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी उस वाले होंडा से बहुत अच्छी है। इसका ड्राइव वेट है 120 किलो, 108 केजी का वेट है जी इस बाइक का, ठीक हो गया। और दूसरे का 96 किलो वजन है, मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि वेट में कितना डिफरेंस है, ठीक हो गया। अब ये बाइक देखें जी, बाइक चला हुआ असद ने लिया है। असद कितना चला चुके हो तुम? 500। अच्छा जी, 500 उसने चलाया, वो आप डेस्क करते 14,000 चला हुआ इसने मोटरसाइकिल लिया। बाइक की कंडीशन आपके सामने है। अच्छा, ये बहुत अच्छी कंडीशन में इसने लिया, लेकिन ये इसने आफ्टर मतलब परचेजिंग के बाद डिटेल किया बाइक को खुद। इस बाइक के ऊपर इस वक्त 15-20 हज़ार रुपये लग चुका है डिटेलिंग में, ठीक हो गया। इंजन का कोई रुपए का काम नहीं करवाया, सिर्फ यह कि मतलब इसने फ्यूल टैंक को रैप करवाया, ये आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक रैप हुआ है, ठीक हो गया। इसके अलावा इंजन में मतलब डिटेलिंग वगैरह करवाई है, कुछ ये स्टिकर्स वगैरह लगवाए हैं ताकि यार ये स्क्रैचेस वगैरह से जो है रिमूव हो जाए। साइलेंसर भी देख लें आप, ठीक हो गया। और अलाइनमेंट वगैरह, अलाइनमेंट तो कराइए, नहीं अलाइनमेंट वगैरह नहीं कराई, जनवन ये भी जनवन थी। नंबर प्लेट्स वगैरह चेंज कराई हैं, ये बाइक का नंबर है जी इस्लामाबाद, रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है। बाइक बहुत अच्छा है, अच्छी कंडीशन के अंदर है, ठीक हो गया। आपके सामने है बाइक और माशाल्लाह रखता भी बहुत केयर से है बाइक, ठीक हो गया। अपना दूसरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ है, इसको काफ़ी इसने मेहनत करके अभी इसकी हालत ये निकाली है। लाइट चेंज कराई है लड़के ने, क्योंकि आपको पता 125 की लाइट अच्छी नहीं है। सच्चा भी चेक कराना यार मैं इसका, जरा लाइट का चेक कर। ये इसकी लाइट का शशका है, ये आ गया इसका DRL, ठीक हो गया। और ये इसकी लाइट है फोग वाली, और ये इसकी लाइट है दूसरी वाली, ठीक है, ऑन रोड के लिए। लाइट बहुत अच्छी है, रात का टाइम नहीं है, वरना मैं आपको विजन भी चेक करवाता। अभी भी स्टिल विजन आपको नजर आ रहा है, दिन के टाइम भी अभी भी इसकी लाइट नजर आ रही है। लाइट बहुत अच्छी है इस बाइक की, 125 में आपको पता है लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। इंडिकेटर इसने जी चेंज करवा रही है, ठीक हो गया। और बाइक का भी आपको साउंड चेक करवाते हैं। और सबसे मजे की चीज़ जो थी असद का स्पेशल एडिशन लेने की थी यार, वो सेल्फ भी बीच में इंक्लूड था, ठीक हो गया जी। तो अभी आपको साउंड चेक करवाते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल साउंड मोटरसाइकिल है, और बाइक का साउंड बहुत प्यारा है क्योंकि इंजन बहुत कॉम्पैक्ट लग रहा है, मतलब मुझे दूसरे वाली रेस दो सद जो दूसरे बाइक में आपको केम की आवाज़ फील होती है ना, इसमें आज सच कोई आवाज़ भी नहीं है। और इसका कंफर्ट भी उससे ज़्यादा है, एक तो वेट रेशियो की वजह से, ऊपर से इंजन की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि ये 5 गियर 5 फॉरवर्ड है ये बाइक। इस वक्त इसकी नई की प्राइस जा रही है 2,75,000-70,000 गालबन, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक हो गया। लेकिन ये इस तरह से करके इसकी कुछ प्राइस चल रही है। वेल जी, ये इसकी ग्रिप है, ठीक हो गया। इसमें सेल्फ आता है यहाँ पर, और ये सब ने एक्स्ट्रा एड ऑन करवाया लाइट के लिए, ठीक हो गया। इस साइड की ग्रिप की बात कर लें तो यहाँ पे आपको ये हैज़र्ड का बटन है, डिपर वगैरह, मतलब ये हैज़र्ड आ गया, ये इंडिकेटर्स आ गए, हाई लो बीम और नीचे हॉर्न आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी ये क्लच केबल चेंज है, ये मैंने नोटिस किया कि आम 125 से इसकी क्लच केबल चेंज है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं बैक साइड का ड्रम, ये दो मेजर चेंजेस हैं इसके अंदर। इसका पिछला ड्रम भी बड़ा है, जिस तरह होंडा का अगला ड्रम आता है, इसकी बैक जो ब्रेक है उसका ड्रम भी बड़ा ही है। तो बाइक काफ़ी ओवरऑल अगर एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले होंडे से बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़रा बाइक ज़रा जम के चलता है रोड के ऊपर। अभी भी ऊपर इस वक्त आए हैं मरी की तरफ, तो माशाल्लाह इस बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो असद कैसा एक्सपीरियंस है यार, सादा वाला तुमने पहले रखा था, उसकी नस्बत कैसा एक्सपीरियंस है इसका? यार वो जो था ना, अगर एवरेज की बात करें ना, तो एवरेज के लिहाज से ना वो सिंपल होंडा जो है ना वो मार खाता है, ठीक हो गया। क्योंकि वो इन सिटी भी जो है ना मुझे 33-35-60 की स्पीड पे एवरेज देता था, ठीक हो गया। और ये कितनी देर है इसने अभी? माशाल्लाह दिए, मैंने एक दो रूट जो है तेज भी लगाए बीच, ठीक है, तो मुझे इसने दिए 38 की एवरेज दी है, तो बहुत अच्छी एवरेज है। इन सिटी के अंदर की बात कर रहा है, इन सिटी के अंदर की बात कर रहा है। इसकी जो मुझे ऐसा लगता है जो पर्पज़ और कॉज है वो ये है कि 5 गियर है, ठीक है, इसमें आप 5वें गियर में क्रूज़ डाल के, आपको पता है चौथे में होंडा बहुत वाइब्रेशन देने लग जाता है, तो इसकी वाइब्रेशन भी कम है। आप 5वें में डाल के क्रूज़ पे बाइक को चलाओ तो ये काम भी इसका बेहतरीन हो जाता है। बाकी कुछ एड ऑन्स किए चेन के अंदर, आप देख रहे होंगे असद ने ये वाले बोल्ट्स लगवाए हैं, ठीक हो गया, हैंडल के ऊपर भी ये वाले बोल्ट्स लगवाए हैं। वेल जी, ये हमारे मतलब क्लैन का नया मेम्बर है जो ऐड हो गया है, अलहमदिल्ला 150 अवेलेबल है असद का, और ये वाला बाइक भी अपने ग्रुप में ऐड हो गया है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।